हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एसपी सिंह और एसपीएल लैब लर्निंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे देश में हर कोई बेरोजगारी से त्रस्त है। बेरोजगारी यानी कि लोगों के पास काम नहीं है, लेकिन फिर भी आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने लिए काम बना सकते हैं, अपने लिए रोजगार बना सकते हैं। एक तरह से कहें कि आप अपने घर बैठे ऑनलाइन या ऑफलाइन काम करके पैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही है हमारे देश के ज्यादातर युवा सरकार के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि सरकार कुछ ऐसा करे जिससे हमें नौकरी, रोजगार या पैसा मिले। लेकिन कभी आपने सोचा नहीं होगा कि सरकार के पास आखिर ये पैसा आता कहाँ से है। क्या सरकार नोट छापती है? क्या ये नेता आज जो चुनाव लड़ने के लिए द्वंद्व मचाए हुए हैं, क्या ये अपनी जेब से पैसा देते हैं? आखिर ये पैसा आता कहां से है और क्यों नहीं हर किसी को रोजगार मिल पा रहा? तो आज इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप अपने घर बैठकर पैसे कमा सकते हैं। चाहे सरकार आपकी कोई सहायता करे या ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी आपकी है और कामयाबी आपको ही होना है, तो सरकार के ऊपर डिपेंड होना छोड़ दीजिए। सबसे पहले ये जान लीजिए, जितने भी नेता सरकार बनाने की फिराक में हैं, यानी सरकार की गद्दी हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री बनना चाहता हो, चाहे मुख्यमंत्री बनना चाहता हो, चाहे कोई विधायक या सांसद, ये सभी लोग सरकार को पैसा नहीं देते हैं। ये सभी लोग तो सरकार से पैसा हड़पने की फिराक में रहते हैं। इसी वजह से हर चुनाव में इतना द्वंद होता है। दूसरी बात, सरकार के पास पैसा कहां से आता है? सरकार कोई नोट छापती नहीं है और ना ही सरकार के पास कोई नोट छापने की मशीन है। जब भी कोई नई सरकार बनती है, उससे पहले पुरानी सरकार जितना भी फंड होता है उसे खर्च कर चुकी होती है, यानी नीलबटे सन्नाटा कर देती है। जब कोई नई सरकार बनती है तो वो दोबारा से पूरे देश भर से टैक्स कलेक्ट करती है, यानी जो हम और आप इनकम टैक्स देते हैं, सर्विस टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, ये सभी टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है और उसी में से सभी सरकारी योजनाओं के कार्य किए जाते हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास योजना हो, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे फ्री में गैस सिलेंडर मिलने की योजना हो, चाहे फ्री में बिजली देने की योजना हो, चाहे किसी रोड का कार्य कराना हो, या फिर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको सैलरी यानी कि तनख्वाह देनी हो, ये सभी कार्य हमारे द्वारा दिए जाने वाले टैक्स से होते हैं, न कि सरकार कोई पैसा इसमें छापती है। दूसरी बात, अब ये सब नेता चुनाव के लिए इतने आतुर क्यों हैं? क्यों अपनी गद्दी को बचाना चाहते हैं? तो सीधी सी बात है, जो व्यक्ति सत्ता में होता है चलती भी उसी की है, उसी के अधिकारी सभी कार्य को करते हैं तो उसकी मोटी इनकम हो जाती है। आज आप देख रहे होंगे कोई भी पार्टी, चाहे आप बीजेपी को ले लीजिए या कांग्रेस को ले लीजिए या फिर कोई प्रदेश की पार्टी, सभी 500 करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्च करती हैं और ये 500 करोड़ रुपए उनके सपोर्टर उनको देते हैं, यानी ये सभी पार्टी एक तरह से एनजीओ होती हैं, यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो अपने सपोर्टर्स यानी डोनेशंस देने वाले लोगों से पैसा लेती हैं और उसी से चुनाव लड़ती हैं। कहने को तो ये लोग बहुत कम पैसा दिखाते हैं, यानी 500 करोड़ रुपए तो न्यूज में भी आ जाता है, लेकिन इनके पास पार्टी फंड के नाम पर कई हजार करोड़ रुपए इकट्ठा होता है। जैसे कि अगर कोई नेता अपनी पार्टी को 1 लाख रुपए का दान देता है, तो समझिए उसने 1 लाख रुपए का दान नहीं दिया है, कम से कम उसने 2-3 करोड़ रुपए दिया होगा, लेकिन दिखाने के लिए सिर्फ 1 लाख बोला जाता है। तो अब हम इन सब की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग ना तो कभी बेरोजगारों को रोजगार दे पाएंगे, ये इनके चुनावी जुमले हैं, चुनाव आते ही समाप्त हो जाएंगे, आगे आने वाले 5 साल तक ये फिर कुछ नहीं बोलेंगे, फिर दोबारा से चुनाव आएगा
तो इनकी तूती बोलना शुरू हो जाएगी। अब हमें अपने भविष्य के लिए कुछ खुद ही सोचना होगा। तो आज की वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है, अगर आप खुद का वाकई अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना टैलेंट पहचानना होगा। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ टैलेंट जरूर होता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके अंदर टीचिंग का टैलेंट होगा, हो सकता है आपको गाने का टैलेंट हो सकता है आप एक आर्टिस्ट हो सकता है आप एक चित्रकार हो सकता है आप एक कॉमेडियन हो, या फिर आप एक अच्छे किसान हो, या आपको बाइक मोटरसाइकिल हवाई जहाज कुछ तो करना आता ही होगा, कुछ तो बनाना आता ही होगा। तमाम ऐसे काम हैं और इन्हीं कामों का प्रदर्शन कर आप अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं, अपनी लाइफ में आगे जा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि अभी डिजिटल क्रांति चल रही है। डिजिटल क्रांति का मीन्स है कि अभी आप ऑनलाइन अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और आगे आने वाले समय में डिजिटल क्रांति बहुत तेजी से ग्रो करेगी। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना अभी तक शुरू नहीं किए हैं तो आपको तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में हर कार्य कंप्यूटर द्वारा ही किया जाएगा। तो आपके लिए कंप्यूटर सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं तो अभी भी 3 ऐसी वेबसाइटें हैं जिनसे आप बहुत अच्छा ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 पर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ये यूट्यूब पर चल रही है और हमारे चैनल SPL लाइव लर्निंग पर हमने इसे डाला हुआ है। हमारे चैनल के साथ आज 36 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, तो यूट्यूब की तरफ से भी हमें इस बात का पैसा मिलता है। अगर आपके अंदर भी कोई टैलेंट है तो आप भी हमारे साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, अमीर कैसे बने फुल गाइड, उस प्लेलिस्ट की पूरी वीडियो देखें। अगर आप ऑनलाइन हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो उन वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी जिससे आप हमारे साथ काम कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर आप लिखना जानते हैं, अगर आपके पास अच्छी अच्छी स्टोरी, न्यूज या फिर किसी दूसरी तरह की चीजें केवल लिखकर लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं तो आप अपना खुद का ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग के लिए गूगल ने अपनी फ्री सर्विस दे रखी है, blogspot.com। blogspot.com पर आप अपनी जीमेल आईडी से अपना खुद का ब्लॉग बना सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। उसकी जानकारी के लिए भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, अपना ब्लॉग कैसे बनाएं, तो उसे देखकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपना ब्लॉग बना सकते हैं फ्री में या कुछ पैसे खर्च करके। अगर आप कुछ पैसे खर्च करके ब्लॉग बनाते हैं तो आपका अपना प्राइवेट ब्लॉग बन जाता है जिससे इनकम ज्यादा होती है। तो मैं प्राइवेट ब्लॉग बनाना ही मैंने उस वीडियो में बताया है, तो इसका इस्तेमाल करके भी आप पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। तीसरा और सबसे अच्छा काम, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप टेक्निकल कोई जानकारी रखते हैं, वेबसाइट बनाना, डिजाइन करना, या फिर किसी एंड्रॉइड ऐप पर काम करना, या फिर कोई सिंगिंग वगैरह का काम, या फिर म्यूजिक का, या फिर स्टडी का, किसी भी तरीके का आपका काम हो, आप एज ए फ्रीलांसर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे अच्छी वेबसाइट है freelancer.com। अगर इसके अलावा और भी वेबसाइटों की आपको जानकारी चाहिए तो एज ए फ्रीलांसर कैसे काम करें, उसके लिए भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को देखकर आप एज ए फ्रीलांसर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये तीनों ही बिजनेस ऐसे हैं जिनसे आप महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए बड़े आराम से कमा सकते हैं और इसके लिए आपको अपने घर से बाहर भी कहीं नहीं जाना होगा। तो ये हुई ना आपके लिए अच्छी बात, लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ सरकार के ऊपर डिपेंड रहना चाहते हैं। तो हम आपको बता दें, सरकार हमारे द्वारा दिए हुए पैसों से चलती है, तो हमें ये कभी कामना नहीं करनी चाहिए कि सरकार से हमें पैसा लेना है, क्योंकि जब तक हम सरकार से पैसा लेने की उम्मीद बनाए रखेंगे तब तक हम गरीब ही रहेंगे, क्योंकि सरकार केवल गरीब लोगों को पैसा देती है। लेकिन हमें गरीब नहीं रहना है, हमें अमीर बनना है। अधिक जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।
जिससे हमारी आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।